आप फिल्म देखने मूवी थिएटर तो गए ही होंगे, काले चश्मे लगाकर 3D फिल्म भी देखी होगी। यदि हाँ तो आपने देखा होगा कि अगर आप अपना चश्मा हटा देते हैं तो स्क्रीन पर तस्वीर कुछ अजीब सी नजर आती है, लेकिन चश्मे के साथ ये अजीब सी 2D इमेज एक स्पष्ट 3D इमेज नजर आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3D ग्लासेस ये इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये समझने के लिए कि 3D ग्लासेस कैसे काम करते हैं, हमें पहले ये समझना होगा कि हम इस दुनिया को 3D में क्यों देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वास्तव में हमारी दोनों आंखों में से प्रत्येक आंख इस दुनिया को 2D में देखती है। ये जय है, जय फूलों के एक बगीचे को देख रहा है। जय की बाई आंख फूलों की इमेज देखती है और उसकी दाई आंख उन्हीं फूलों की थोड़ी शिफ्टेड इमेज देखती है। जय का दिमाग इन दोनों इमेजेस को मिलाकर एक 3D इमेज बनाता है। अगर आप अपने अंगूठे को अपने चेहरे के सामने रखकर इसे केवल अपनी दाई आंख से देखें और उसके बाद केवल अपनी बाई आंख से देखें, तो आप देखेंगे कि आपका अंगूठा एक जगह नहीं रहता। आप ये भी देखेंगे कि जब तक आप अपने अंगूठे को दोनों आंखों से नहीं देख लेते, ये कहना मुश्किल है कि वो आपके सामने रखी कंप्यूटर स्क्रीन से कितनी दूर है। जिस तरह आपके अंगूठे को 3D में देखने के लिए आपकी दोनों आंखों को उसकी सही इमेज दिखनी चाहिए, 3D फिल्म निर्माताओं को भी इसी तरह आपकी दोनों आंखों को सही इमेज दिखानी पड़ती है, ताकि आपका दिमाग दोनों इमेजेस को मिलाकर एक 3D इमेज बना सके। ऐसा करने के लिए उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि आपकी दाई आंख आपकी बाई आंख के लिए बनाई गई इमेज को नहीं देख पाए और बाई वाली दाई के लिए। उदाहरण के लिए इमेजिन कीजिए आपकी आंखों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए, ताकि हर आंख केवल उसी के साइड की इमेज को ही देख पाए। ये किसी भी तरह प्रैक्टिकल नहीं है, और यही काम आते हैं 3D ग्लासेस। ग्लासेस के दोनों लेंस से ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी एक आंख के लिए बनाई गई इमेज केवल उसी तक पहुंचे और दूसरी इमेज सिर्फ दूसरी आंख को दिखे। शुरुआती दौर की 3D फिल्मों में बाईं और दाईं इमेजेस के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। एक लेंस केवल लाल रोशनी के लिए काम करता था और दूसरा लेंस केवल नीली रोशनी के लिए। दर्शकों का मस्तिष्क दोनों इमेजेस एक आंख द्वारा देखी गई नीली वाली और दूसरी आंख द्वारा देखी गई लाल वाली को एक साथ एक 3D इमेज में जोड़ देता था। लेकिन ये उतना आइडियल नहीं था, क्योंकि इससे बनने वाली इमेजेस रंगीन नहीं होती थीं। इसकी जगह 3D फिल्म निर्माताओं ने पोलराइजेशन नामक लाइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना शुरू किया। पोलराइजेशन को समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि लाइट एक वेव यानी तरंग होती है, और हवा में लहराती हुई इस रस्सी की तरह लाइट भी कई दिशाओं में लहरा कर चल सकती है। उदाहरण के लिए ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या किसी भी और एंगल पर प्रोपेगेट कर सकती है। लाइट के उस ओरिएंटेशन को ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। एक पोलराइजर ऐसा मटेरियल होता है जो सिर्फ एक ही तरह की पोलराइज्ड लाइट को पास होने देता है। उदाहरण के लिए हॉरिजॉन्टल पोलराइजर सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट को ही पास होने देता है और वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट को ब्लॉक करता है। इसे समझने का एक तरीका है लाइट को इस रस्सी से बनी वेव की तरह देखना, जो कि इस कार्डबोर्ड के बने फ्रेम के स्लॉट्स में से पास हो रही है। एक सही दिशा में ऑसिलेट होने वाली लाइट ही इन कार्डबोर्ड स्लॉट से निकल सकती है। यहां हम एक वर्टिकल वेव को कार्डबोर्ड में से पास होते हुए देख सकते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल वेव को ये कार्डबोर्ड स्लॉट्स रोक देते हैं। लेकिन वास्तव में एक पोलराइजर कार्डबोर्ड शीट की तरह नहीं होता, ये एक स्पेशल मटेरियल होता है जो एक पोलराइजेशन वाली लाइट को पास होने देता है और बाकी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक असली पोलराइजर है जो एक LCD कंप्यूटर मॉनिटर की लाइट को फिल्टर कर रहा है। स्क्रीन से आने वाली रोशनी लगभग 45 डिग्री पर पोलराइज्ड होती है। पोलराइजर की इस ओरिएंटेशन में हम स्क्रीन में आने वाली रोशनी देख सकते हैं। अगर हम पोलराइजर को घुमाते हैं तो अब उस रोशनी को नहीं देख पाते। लीनियर पोलराइजेशन को यूज करके बनाई गई 3D फिल्म दो इमेजेस को फिल्म स्क्रीन पर दिखाती है, एक हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड और एक वर्टिकली पोलराइज्ड। आपके 3D चश्मे में प्रत्येक लेंस में से एक डिफरेंटली ओरिएंटेड पोलराइजर होता है, इसलिए उदाहरण के लिए आपकी दाई आंख केवल हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड इमेज को देखती है और आपकी बाई आंख केवल वर्टिकली पोलराइज्ड इमेज को ही देखती है। लेकिन इस प्रकार के चश्मों के साथ अभी भी एक समस्या है। यदि आपके चश्मे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पोलराइज्ड होते हैं, तो जब आप अपने सिर को झुकाते हैं, चश्मे के लेंस डायगोनल पोलराइजर में बदल जाते हैं। इस स्थिति में स्क्रीन से आने वाली रोशनी पोलराइजर के साथ अलाइंट नहीं होती, इसलिए आप सही से फिल्म नहीं देख पाते। इस समस्या को हल करने के लिए आज कई 3D ग्लासेस अपने लेंस में एक अलग तरह के पोलराइजेशन का उपयोग करते हैं, सर्कुलर पोलराइजेशन। इस तरह के पोलराइजेशन में लाइट वेव्स एक सर्कुलर पैटर्न में आपकी तरफ बढ़ती हैं। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को हम वेव की रोटेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे पोलराइजर भी एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होने वाली लाइट को ही पास होने देते हैं। इसलिए एक ऐसी 3D फिल्म बनाई जा सकती है जिससे आपकी दाई आंख के लिए क्लॉकवाइज पोलराइज्ड लाइट यूज हो और आपकी बाई आंख के लिए एंटी क्लॉकवाइज। प्रत्येक आंख के लिए दो अलग अलग फिल्म है जो सिर्फ एक सही लेंस वाले चश्मे के साथ ही 3D दिखाई देगी।
इन सर्कुलरली पोलराइज्ड ग्लासेस की खास बात यह है कि आप सर झुकाकर भी मूवी का आनंद ले सकते हैं। हमने इस इफेक्ट को दर्शाने के लिए लैब में एक डेमो तैयार किया है। सबसे पहले हम लीनियर पोलराइजर के थ्रू एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भेजते हैं। जैसे जैसे हम पोलराइजर को घुमाते हैं, आप सफेद स्क्रीन पर लाइट की इंटेंसिटी में बदलाव देख सकते हैं। इसके विपरीत अब हम एक सही पोलराइजर के थ्रू सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट भेजेंगे। ध्यान दें कि जब हम सर्कुलर पोलराइजर को घुमाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कि एक लीनियर पोलराइजर के केस में नहीं होता। इसलिए यदि आप सर्कुलर पोलराइजेशन के साथ दिखाई गई फिल्म के दौरान अपना सिर झुकाते हैं तो भी जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बदलेगा।